पिनहोल कैमरा या कैमरा ऑब्सक्योरा एक बिल्कुल सरल तरह का कैमरा होता है जिसके अंदर कोई भी लेंस नहीं होता। पिनहोल कैमरा को बनाने के लिए आपको एक गत्ते का डब्बा चाहिए, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। उसके साथ में आपको बटर पेपर, काला कागज, गोंद, एक सुई और एक मोमबत्ती भी चाहिए। सबसे पहले जो डब्बा है इसकी ऊपरी सतह को काट करके आप एक बहुत बड़ी खिड़की काटें कटर से लेकर के। उसके बाद में बटर पेपर की शीट लें और सबसे पहले जो खिड़की है उसके फ्रेम के ऊपर आप गोंद लगाएं, उसको थोड़ा सूखने दें और उसके ऊपर आप बटर पेपर को चिपका दें। ये एक स्क्रीन का काम करेगा जिस पर आप बिंब देख पाएंगे या इमेजेस देख पाएंगे। अब ये बहुत ज़रूरी है पिनहोल कैमरा में कि उसके अंदर कोई भी लाइट की किरण ना आ पाए। इसके लिए बाकी पूरे गत्ते के डब्बे को हम काले कागज़ से ढक देते हैं जिससे कि कोई भी प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके बाद में जो काली सतह है उसका आप पहले तो केंद्र निकालिए और फिर एक सुई से उसमें छोटा सा छेद बना दीजिए। फिर अपने कैमरे को आप जलती ही मोमबत्ती के कुछ दूर रखिए। अब ये देखिए मोमबत्ती की किरण, प्रकाश की किरण छेद में से होकर के कैमरे में जाएगी और जो बटर पेपर का स्क्रीन है उसके ऊपर आप उल्टी मोमबत्ती के बिंब को देख पाएंगे। आपको केवल एक ही बिंब दिखेगा क्योंकि एक ही छेद है आपके कैमरे के अंदर। ये जो पिनहोल कैमरा है इसके अंदर आप एक की बजाय अब 5 होल एक केंद्र में और 4 अन्य छेद बना सकते हैं। फिर अगर आप अपने कैमरे को मोमबत्ती के पीछे खड़ा करेंगे तो इस बार आप 5 बिंबों को देख पाएंगे। ये सब जलती मोमबत्तियों के लौ के उल्टे बिंब होंगे, इन्वर्टेड इमेजेस होंगी जिनको आप बटर पेपर पे देख पाएंगे। आप चाहें तो इसी तरह से 9 छेद बना करके 9 बिंब देख सकते हैं। दरअसल इस कैमरे के अंदर किरण उस छोटे से छेद से गुजरती है और एक इमेज को जो स्क्रीन है बटर पेपर का उस पर बनाती है। अब क्योंकि यहाँ पर 9 छेद हैं इसलिए आप 9 जलती हुई उल्टी मोमबत्तियों के बिंबों को देख पाएंगे।